केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जहां एक ओर शिक्षा के अधिकार को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर यह वादे और दावे खोखले नजर आते हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़ी तहसील खनियादाना के वार्ड नंबर 8 के नीम तलैया क्षेत्र से, जहाँ गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए एक सैटेलाइट विद्यालय की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई, लेकिन वहाँ पदस्थ स्कूली प्रभारी व शिक्षकों की मनमानी की वजह से विद्यालय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। ताज़ा मामला सैटेलाइट स्कूल नीम तलैया का है, जहां पर स्कूल प्रभारी सीमा जैन व शिक्षकों के द्वारा स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चों को बैठने के लिए उचित जगह नहीं होने के कारण नन्हे मुन्ने बच्चों को गंदगी व घास फूस में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। हम आपको बता दें कि यहां मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल तो स्थापित कर दिया और कई वर्षों तक धरातल पर स्कूल गायब रहा। वार्ड वासियों ने मिलजुल कर स्कूल के लिए जमीन दान में दी। अब उस जमीन पर शासन के द्वारा स्कूल बनाने के लिए राशि आई तो स्कूल बनाना प्रारंभ हुआ, पर स्कूल प्रभारी सीमा जैन ने स्कूल की राशि में झोला झोल झाल करके राशि आहरित कर ली और स्कूल का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। अब यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए स्कूल तो है, पर निर्माण अधूरा होने के कारण नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए खुले आसमान के नीचे गंदगी और घास फूस में बैठना पड़ रहा है। इस संबंध में हमारी टीम के द्वारा स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रभारी सीमा जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि स्कूल बनने के लिए जो राशि आई थी वह स्कूली प्रभारी के द्वारा गोलमाल करके आरंभ कर दी गई और ठेकेदार को बिल्डिंग बनाने के लिए राशि नहीं दी गई। स्थिति इतनी दयनीय है कि नन्हे मुन्ने बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड, स्वच्छ पीने पानी की जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं। यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय में पढ़ने आए हैं तो उन्हें अपने घर के बैठने के लिए बोरियां लाते हैं और इन बोरियों पर बच्चे गंदे और घास फूस में बैठने को मजबूर हो रहे हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं दलित और गरीब परिवार में है, जिनके साथ शिक्षकों द्वारा छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। ऐसे गंभीर आरोप भी पालकों द्वारा लगाए गए, पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये नीम तलैया पर जो विद्यालय है इसके आप अध्यक्ष हैं, आपके सामने ये सारी स्थितियां हैं कि बच्चे बिना टाट पट्टी के बैठे हुए हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है वही भी तैयार नहीं है, ये जानकारी नहीं है आपको? नहीं, जानकारी है, बन नहीं रही, बना था, थोड़ा काम हुआ था, फिर हुआ नहीं, डले आया काम ऐसा ही। तो आपने पूछा नहीं है क्यों नहीं हो रहा इसका काम? तो वो बोलती है ठेकेदार नहीं कर रहे हैं, वो पैसा खाते में डला है। पैसा डला हुआ है स्कूल के खाते में, उसके बाद ठेकेदार काम नहीं कर रहे? अब देने का क्या ना मैडम का जी है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे, मैडम कह दिए हाँ मतलब ठेकेदार कहते पैसे नहीं दे रहे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को फट्टी बैठने के लिए नहीं है, ना कोई फट्टी दिख रही है ना कुछ, आप बच्चे देख लो मौजूद एक बार, परेशान हो रहे हैं बच्चे, पानी में भी भींज रहे हैं, भग जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। आपने इसकी शिकायत करी है किसी को? अभी तो नहीं की। आपने कभी आवाज़ उठाई है मैडम से या जो भी है? नहीं, हमने हाँ बोला तो भी कहते हैं अब स्कूल बन जाएगी तो व्यवस्था करवाएंगे। नाम है आपका? घनश्याम। दादा, यहाँ पे विद्यालय में जो छात्र आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है, इस बारे में कभी आपने बात नहीं की? कहते हैं मैडम सिर्फ करा देंगे, बेड बने, स्कूल नहीं बनी, यहाँ बैठ दीजिए, बैठ नहीं। नहीं तो आपने उनसे बोला है तो वो क्या जवाब? कई बार बोला। क्या जवाब देती हैं? बोले स्कूल बन जाएगी तो कर देंगे। पैसा स्कूल क्यों नहीं बन पाया? पैसा खाते में, पैसे खाते में देती नहीं है, बस पैसा काम की दूसरी जगह देखना, हम नहीं करा उस पर काम। अच्छा, हाँ। आप लोगों ने कहीं और ऊंचे अधिकारियों से जाके बात की है कभी? उनसे नहीं की है, किसी से बात नहीं, कभी कोई शिकायत की हो? क्या बार आए बहुत कहिए, कोई सुनते ही नहीं। अच्छा, ऐसा सुना है बच्चों से काम भी कराए जाते हैं यहाँ पे? धुआं पटवाती हैं और ये फट्टी ले आ रही घर घर से, देखो हाल तुम्हें सामने ले आई फट्टी ले आती हैं, बैठती हैं, घास भरो सामने देखो घास भरो। मनीराम अहिरवार। मनीराम जी, ये जो नीम तलैया पर विद्यालय है जी, यहाँ के आप ठेकेदार भी रहे हैं जी, तो आप ये बिल्डिंग जो है जो पूरी नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? मैडम ने पैसे नहीं दिए अभी तक, इसलिए अधूरा काम पड़ा है जी। ये जो बिल्डिंग अभी तक जितनी बनी है ये आपके द्वारा कम्प्लीट कराई गई है? कराई गई थी, मेरे उसमें 2 लाख रुपए फंसे ही सब मेरे, लेकिन मैडम कहती हैं, मैडम ने एक 65,000 रुपए का चेक मनोज बरिया वाले को दिया, वे पैसे का घपला कर दिया, इतना होता की लिपा पोती करके पैसे नहीं निकाल रहे उन्हें खाते में डली। 2 एक बार विधायक जी नवी पंचायत ने पड़ गई, बोले पैसे दे दूंगी मैं, काम चालू करना, ना पैसे दिए ना कुछ।
अच्छा, अभी आप ये जो वार्ड नंबर 8 में निंदलिया आता है, यहाँ के आप पार्षद भी निर्वाचित हो चुके हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि जैसे बच्चों की समस्याएं हैं यहाँ पे, उनको बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है और विद्यालय के आसपास भी बहुत ज्यादा गंदगी है, तो इन चीजों को लेकर आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? अभी मैंने 2 बार उठा चुका, 3री बार अभी मैंने यही ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये कहते हैं कि हमारे पास स्कूल से पैसा नहीं मिलता है, जबकि साफ सफाई का पैसा आता है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का माए पेंसिल वगैरह सब का पैसा आता है, टाट फट्टी का पैसा आता है, कुर्सियों का पैसा आता है। मैडम कहती है हमारे पास पैसा नहीं आता सरकार से। मैंने उसका रिकॉर्ड निकलवाया तो उसमें पैसा आ रहा है, इनका अभी निकाला है 40,000 रुपये। और दूसरी बात, इनके खाते में रसोईया के सेम इनके राजेश के नाम से मैंने सिबरी से खाता नंबर निकलवाया, 9 साल इनके खाते में रसोईया का पैसा आया है। अभी मेरे पास खाता नंबर है, मैं वो आपको दे रहा हूँ, बैंक में जा रहा हूँ, उसकी जानकारी निकालता हूँ पूरा। वो कौन है जिसके खाते में पैसे जा रहे हैं? ये सीमा जैन की जो मास्टरनी है यहाँ की है, उनके पति हैं राजेश जैन, उनके खाते में सेम पैसा जाता है रसोईया का। हाँ, अभी 2 साल से जो आपत्ति जो चली तो अभी जिनने इतना होता है पैसे कर लिए, सर रसोईया के खाते में जान लाइए कुछ पैसे। अच्छा, आपने लगातार कई बार इन चीज़ों की बच्चों की समस्याओं को लेकर लोगों को सूचित किया है और भी BRC BA उन अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन किसी की ओर से कोई कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं है, जो भी आते हैं ना से बैठते हैं, मैडम बुला लेती हैं, आ जाओ चाय पिला देंगे घर में, बस देखने समझौता हो जाता है। अधिकारी भी ऐसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं होगा तो उसका देख रहे हैं मोहल्ले वाले, वार्ड लोगों के जो अब आगे शिकायत देखेंगे, जहाँ से गुंजाइश मिलेगी। हम देखो जानकारी तो हमें इतनी है नहीं है, देखेंगे जहाँ जानकारी मिलेगी आगे उसका कदम उठाएंगे। अच्छा, ऐसी जानकारी लगी है कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये जमीन भी आप लोगों के द्वारा? हम लोगों ने इनको दान पत्र जमीन में दी, आज 10 लाख रुपए की जमीन भी दी हमने, इसी पे इल्जाम ये है कि आज भी ना उसका पैसा मिल रहा ना बिल्डिंग खड़ी हो रही और पैसे इनके खाते में है। सैटेलाइट विद्यालय है नीमतलैया पर, यहाँ पे पालकों ने कई तरह की शिकायतें कर रखी हैं विद्यालय प्रबंधन पर, आप अभी यहाँ पे चेक करने आए तो आपको क्या देखने को मिला है? सर क्या है कि इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अभी इस विद्यालय की बिल्डिंग विहीन है, ये इमारत विहीन स्कूल है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, कभी इधर बैठना पड़ता है, कभी उधर बैठ इसके घर में कभी उसके घर में। बिल्डिंग की राशि आई है, बिल्डिंग बन रही है और कुछ ही समय में कोशिश करते हैं, अधिकारी जानकारी लेते हैं क्या हुआ था, अभी तक क्यों नहीं बन पा रही। पालकों का कहना यह है कि बच्चों से यहाँ पे शिक्षकों द्वारा काम कराया जाता है, बैठने की उनको टाट फिट्टी की व्यवस्था नहीं है और शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं, इस तरह की कई तरह की शिकायतें हैं। हो सकता है सर, हम तो आए हैं कभी चेक करने तो शिक्षक मिले हैं बाकायदा। हाँ, टाट पट्टी है, मात्रा में कम है, ये बात सही है, मालूम करते हैं, शायद यहाँ बिल्डिंग नहीं है, शायद कंटेंजेंसी ना आती हो, फिर भी कोशिश करते हैं क्या वो आते हैं दिखवाते हैं, व्यवस्था कराते हैं सर। सर यहाँ पे जो बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है, इसका भी कोई कुछ कारण है जिसकी वजह से ये बिल्डिंग पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक जाँच का विषय है, इसमें आप क्या संज्ञान में लेंगे? हाँ, ऐसा पता चला था, मैंने बात भी करी थी मैडम से, तो कोई उनने राशि आई थी आहरण करके, मैडम का ये कहना है कि ठेकेदार को हमने राशि दे रखी है, उसको ठेका दे रखा है, मतलब डायरेक्ट राशि निकाल के मैडम देती है हेल्प के लिए। कोई ठेकेदार का कहना है कि मुझे राशि मिली ही नहीं है। नहीं, ठेकेदार को ठेका तो नहीं दिया गया, चूँकि SMC में पैसा आता है तो कराना तो SMC को ही पड़ता है, तो मैडम ने अपनी मदद के लिए किसी व्यक्ति की मदद ली है और वो काम करा रही है, कोई समस्या है तो उसको। इन समस्याओं पर सर निष्पक्ष जांच होने का कोई जरूर जरूर, क्यों अभी तक काम रुका है इसको हम अपने अधिकारियों से बात करते हैं कि जी अभी तक बिल्डिंग क्यों नहीं बन पा रही है, इसको जरूर सर देखो। क्या नाम है बेटा? स्वाति। स्वाति, ये नीचे कहाँ बैठी हो तुम, ये घास में ऐसी गंदगी में? मैं बैठा हूं। कौन? स्कूल वाली मैडम नीचे बैठाती हैं। तो ये फट्टी कहाँ से लाई तुम? ये हमें फट्टी हम अपने घर से लाते। घर से ले आई? बोरी बोरी ले आई तुम? मैं लाती हूँ कुछ फट्टी और कुछ हम लोग लाते हैं अपने घर से। अच्छा, तो अभी तुम आज स्कूल कितने बजे पढ़ने आई थी? हम आए थे 11 बजे आते आते के 12 बजे। अच्छा, तो आपकी मैडम और मार साहब कितने बजे आए थे? भी आते 12-11 बजे। 12-11 बजे, कभी 11 बजे कभी 12 बजे। क्या नाम है बेटा? पलक। पलक जी बेटा, तुम ये गंदगी में क्यों बैठी हो ऐसी? फट्टी नहीं है। फट्टी नहीं है तो ये बोरी की तुम कहाँ से लेके आई? घर से। घर से लेके आई? रोजाना लेके आती हो कि आज ही लेके आई? रोजाना लेके आती हो। स्कूल में फट्टी नहीं है बैठने को? नहीं है।
तो ये गंदगी भी तो है, इसमें तुम्हें मच्छर वगैरह नहीं काट रहे? काटते हैं। आप आपका स्कूल कितने बजे खुलता है? 11 बजे। और मार साहब मैडम कितने बजे आते हैं? 11 बजे। आज कितने बजे आए थे? 11 बजे।